पूजा करूंगा भी, पूजा करूंगा भी हनुमान जी की, कुछ रोज है आशा मुझे। पूजा करूंगा भी हनुमान जी की, कुछ रोज है आशा मुझे। जोर लगाती है किंतु हरा नहीं पाती है निराशा मुझे। आस्तिकता नास्तिकता के विमर्श के दौर में, आस्तिकता नास्तिकता के बीच की लड़ाई के दौर में ये है कविता रामजीवन शर्मा जीवन की। पूजा करूंगा भी हनुमान जी की, कुछ रोज है आशा मुझे। जोर लगाती है किंतु हरा नहीं पाती है निराशा मुझे। कोशिश तो करते कुछ लोग हैं, दे नहीं पाते हैं झांसा मुझे। भूला नहीं हूँ अभी तक याद है जिंदगी की परिभाषा मुझे। ये थी कविता पूजा करूंगा भी रामजीवन शर्मा जीवन मेरे नाना जी की, जिसका भाव बिल्कुल स्पष्ट है। और बहुत सी इनकी कविताएं हैं जो शिकस्त को लेकर हैं, जिंदगी की त्रासदियों को लेकर के हैं, चुनौतियों को लेकर हैं, मौसम की मार को लेकर हैं। ये किसान थे और ये हमारे घर में ज़मीन, मतलब हमारे घर मतलब पैतृक मेरे घर नहीं मातृक घर के किस्से मैंने ज़्यादा सुने हैं। और वहाँ लोग किसानी से ज़्यादा जुड़े थे और मेरे जो दादा जी थे वो किसानी के साथ साथ उन्होंने कुछ दुकानें वगैरह खोल रखी थी गांव से दूर थोड़ा शहर में, तो वो थोड़ा कम किसान थे। बहरहाल मेरे एंसेस्ट्री पे बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आप देखेंगे कि इनकी कितनी कविताओं में, इन पर एक किताब भी संपादित करना चाहती हूँ, रामजीवन शर्मा जीवन के वैश्विक सरोकार, और उसमें कुछ और भी बातें रहेंगी कि वैश्विक और पर्यावरण संबंधी सरोकार। बहरहाल जो भी हो, पर्यावरण आने से बहुत सी बातें आएंगी और वैश्विक भी बहुत कुछ है, माउंटबेटन से लेकर तमाम लोगों पे। लेकिन जो भी हो, मतलब इस कविता में मतलब रीझी हुई हूँ। कोशिश तो करते कुछ लोग हैं, दे नहीं पाते हैं झांसा मुझे। भूला नहीं हूँ अभी तक याद है जिंदगी की परिभाषा। तो दोस्तों ये थी कविता जिंदगी की परिभाषा, गढ़ती सहेजती रामजीवन शर्मा जीवन की। आशा है आपको पसंद आई। आपकी जिंदगी की परिभाषा भी आपको गढ़नी है, हालांकि बहुत कुछ गढ़ी हुई होती है पहले से, लेकिन वह हर व्यक्ति जो इन शब्दों को उचारता है कहीं ना कहीं वो जीवन की परिभाषा लिखने रहा होता है याद करने के साथ साथ। तो सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।